नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर उत्तराखंड लाइव में मैं हूं दुर्गेश आपके साथ। अब खबरें विस्तार से। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित चार धामों की यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट जहां 9 मई को खुलेंगे, वहीं बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 10 मई को खुलेंगे। उत्तरकाशी जिले में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री मंदिर के कपाट आज सुबह 11:30 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट रोहिणी नक्षत्र में 1:15 पर खोले जाएंगे। आपको बता दें, चार धाम यात्रा हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश विदेश से चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का राज्य में स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, वहीं केदारनाथ कपाट 9 मई को खुलेंगे, बद्रीनाथ कपाट 10 मई को खुलेंगे। फिलहाल चार धाम यात्रा की शुरुआत आज से हो जाएगी। आज सुबह 11:30 बजे यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे, वहीं गंगोत्री के कपाट 1:15 पर खोले जाएंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश विदेश से यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया है। आज से चार धाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है। प्रशासन लगातार बीते कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ है। चार धाम यात्रा को सफल बनाने के लिए, चार धाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए, जिसके बाद आज से चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। अक्षय तृतीया के मौके पर चार धाम यात्रा आज से शुरू हो जाएगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दूर दूर से आए श्रद्धालुओं का यहां पर स्वागत किया है। आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे, इसके साथ ही 9 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और वहीं 10 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे।